स्टूडेंट्स इन लास्ट मड्यूल वी टॉक्ड अबाउट क्रॉन बैक अल्फा वट इज़ अ क्रॉन बैक अल्फा एंड वट इट इंडिकेट्स नाउ इन दिस मड्यूल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ डू वी कम्प्यूट क्रॉन बैक अल्फ़ा इन एन एस पी एस एस सॉफ्टवेयर तो एस पी एस एस सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करते हैं तो आप इसमें एनालाइज के टैब पे जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे आप स्केल के ऑप्शन पर स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिलायबिलिटी एनालिसिस की एक ऑप्शन आएगी और इसके नीचे मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और मल्टी डायमेंशनल अनफोल्डिंग ये एडवांस एनालिसिस हैं मगर सिंपली क्रॉन बैक हल्फा मैयर करने के लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करनी है रिलायबिलिटी एनालिसिस की जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में आपने जो एक स्केल के लिए जो आइटम यूज़ की हैं उन तमाम को क्लिक कर कर इस विंडो में लाना है याद रखिए कि हमने पढ़ा था लास्ट मॉड्यूल में कि क्रोनबैक बैक अल्फ़ा कंप्यूट करने से पहले आपने ये इंश्योर कर लेना है कि ये वन डायमेंशनल आइटम्स हैं और यानी एक स्केल की एक ही डायमेंशन हम के लिए जो है ये तमाम आइटम्स यूज़ की जा रही हैं और अगर कोई नेगेटिव डायरेक्शन में कोई आइटम है तो उसको आपने रिवर्स कोडेड करके जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आना है तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम एक स्केल है सोशल कैपिटल का तो उसके लिए पांच आइटम्स यूज़ की हैं तो वो मैंने सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आया हूँ आप स्केल को लेबल करेंगे यहाँ पे हम सिंपली सोशल कैपिटल इसको लेबल कर रहे हैं अभी हम स्टेटिस्टिक्स में जो है वो नहीं जाएंगे सिंपल ओके okay करेंगे स्टेटिस्टिक्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव के लिए आइटम के लिए आ सकते हैं स्केल के लिए आ सकते हैं और स्केल इफ़ आइटम डिलीटेड अगर एक आइटम डिलीट करें तो फिर क्या स्केल के डिस्क्रिप्टिवस होंगे उसकी ऑप्शन है और इसके साथ इंटर आइटम को रिलेशन और इंटर आइटम को वेरिएंसेस के भी ऑप्शन हैं तो अभी हम सिर्फ स्केल के डिस्क्रिप्टिव्स ले रहे हैं और स्केल के डिस्क्रिप्टिव्स लेने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं और इसको ओके okay करते हैं जब आप ओके okay करेंगे तो आउटपुट विंडो में आपके पास केस प्रोसेसिंग समरी का टेबल आएगा जिसमें वो बता रहा है कि टोटल केसेस जो आपके थे ट्वेल्व फाइव उन तमाम को ले लिया गया है तो इसलिए आपके हंड्रेड परसेंट केसेज इंक्लूडेड हैं और यहाँ पर दूसरा रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में वो स्केल की रिलायबिलिटी निकाल रहा है और ये बता रहा है कि कितनी आइटम्स के लिए ये जो है वैल्यू कंप्यूट की गई है तो हमने फ़ाइव आइटम्स इंक्लूड की थी और फाइफ आइटम्स के लिए जो आपके पास रिलायबिलिटी कंप्यूट हो के आई है बैक अल्फ़ा का जो वैल्यू कंप्यूट हो के आया है वो पॉइंट सेवन सिक्स वन है तो हमने पढ़ा था कि अगर वैल्यू पॉइंट सेवन ज़ीरो और पॉइंट एट ज़ीरो के दरमियान हो तो ये रिलायबल uh, कंसिडर होती है और ये एक्सेप्टेबल है तो ये रिज़ल्ट uh, शो कर रहा है कि आपका जो स्केल है ये रिलायबल स्केल है अब इस स्केल के स्टैटिस्टिक्स में देखें वो आपको इस स्केल का मीन बता रहा है सेवन टीन पॉइंट सिक्स सेवन और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी बता रहा थ्री पॉइंट सेवन एट तो जब हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को रिपोर्ट्स करना सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टैटिस्टिक्स कैसे मीनिंगफुली आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो अभी क्योंकि हम एस पी एस एस में इस कमांड को सीख रहे हैं कि हम इस कमांड को कैसे रन करते हैं तो वो हमने देख लिया है कि हम एनालाइज में जाते हैं एनालाइज में से स्केल में आते हैं एनालाइज से स्केल में आएंगे और स्केल में से फिर हम रिलायबिलिटी में जाएंगे तो आपका क्रोन बैक अल्फा कंप्यूट हो जाएगा तो ये इस मॉड्यूल में हमने कमांड सीख ली और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जो है इसकी जो है एक एक्सरसाइज करेंगे लाइफ ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाए इसको समझने में